राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम रंगों का त्योहार। अरे क्यों भाई रिंकू टिंकू, आज तो तुम दोनों बहुत खुश हो रहे हो। अरे और तुम्हारे हरे पीले लाल रंगों से रंगे चेहरों को तो भाई पहचानना ही मुश्किल हो रहा है कि कौन रिंकू है और कौन टिंकू। आप भी तो नहीं पहचाने जा रहे हैं भैया। आपका चेहरा भी तो हरे व लाल रंग से ऐसा ही रंगा है, आपकी तो सिर्फ आंखें ही नजर आ रही हैं। पर आपकी आवाज से ही आपको पहचाना जा सकता है। हाँ भाई बच्चों, आज तो बस पूछो मत, जिसे देखो वही होली के रंग से रंगा हुआ है। हाँ भैया, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। अरे भाई होली का त्योहार है ही ऐसा। लगता है तुम दोनों सुबह से ही होली खेल रहे थे। हाँ भैया, और अभी तो हमें अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ होली खेलनी है, उनको गुलाल लगाना है, और रिंकू खूब सारी मिठाइयाँ भी तो खानी है। हाँ भाई, आज तो जहाँ भी जाओ मिठाई ही मिठाई खाने को मिल रही है। हाँ भैया, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। हाँ। मिठाई खा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। हाँ भैया। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि होली के दिन हम एक दूसरे को रंग क्यों लगाते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है भैया, होली तो रंगों का त्योहार होता ही है। होली के दिन हम खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और सबके साथ प्रेम से मिलते हैं। हाँ भैया, होली के रंग में सभी चेहरे ऐसे रंग जाते हैं कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। किसी में कोई अंतर ही नहीं दिखता, यही तो रंगों का कमाल है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने बच्चों। होली के दिन सभी होली के रंग में रंग जाते हैं। सभी चेहरे रंग से भरे एक जैसे लगते हैं, न कोई बड़ा होता है न छोटा। हाँ भैया। भाई होली है ही ऐसा त्योहार, खुशियों का त्योहार, प्यार से गले मिलने का त्योहार और आपस में मिलजुल कर रहने का त्योहार। भैया होली के दिन बहुत मजा आता है, चारों ओर रंग ही रंग नजर आते हैं और मिठाई, बस पूछिए मत भैया। जहाँ भी जाओ मिठाई ही मिठाई खाने को मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। सच? हाँ भैया। अच्छा बच्चों, ये तो बताओ कि होली का ये त्योहार हम कभी फरवरी के महीने में तो कभी मार्च के महीने में क्यों मनाते हैं? भैया आप ही बताइए ना, हमें नहीं मालूम। हाँ भैया। अच्छा मैं बताता हूँ, हम इस त्योहार को तब मनाते हैं जब मौसम की ठंड जा रही होती है। जी भैया। और हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगती है। समझ गए ना? जी भैया। ये समय फरवरी और मार्च महीने के बीच का ही होता है।
इसलिए होली कभी फरवरी महीने के आखिर में या मार्च में पड़ती है। तभी तो भैया हम एक दूसरे पर पानी भी डालते हैं, बड़ा मजा आता है, जैसे आज मैंने डाला था। और सुनो जी भैया, जब खेतों में फसल कटने वाली होती है जी, रंग बिरंगे फूलों का मौसम होता है भैया, उन्हीं दिनों होली का त्योहार आता है। हाँ भैया, अब हम समझ गए कि होली फरवरी या मार्च के महीने में क्यों मनाई जाती है। और ये भी समझ गए भैया कि होली को रंगों का त्योहार क्यों कहते हैं। अब आप एक बात बताइए तो जाने। अच्छा तो पूछो, क्या बात है? होली के दिन हम सब नाचते गाते क्यों हैं? खूब मजे से ये त्योहार क्यों मनाते हैं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। होली खुशी का त्योहार है और इस दिन हम खूब खुशियां मनाते हैं जी, और इसीलिए नाचते हैं, गाते हैं और धूम मचाते हैं। तो भैया इसी बात पर हो जाए एक खुशियों भरा होली का गीत। तो हो जाए। अच्छा बच्चों जी भैया, अब तो हमने खूब होली खेल ली। हाँ भैया, मिठाई भी खा ली और नाच गाना भी हो गया। हाँ भैया। अच्छा बताओ अब क्या करना चाहिए? अब घर चलकर नहा लेते हैं। हाँ ये ठीक कहा तुमने, पर जाते जाते एक बात तो बताओ। वो क्या भैया? क्या भैया? देखो तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, कुछ लोग कीचड़ से भी होली खेल रहे थे। अरे हाँ, हाँ भैया देखा तो था पर हमें अच्छा नहीं लगा। मिट्टी की कीचड़ कितनी गंदी होती है। होली के इस खुशियों भरे त्योहार में किसी के ऊपर गंदा कीचड़ डालना कितनी बुरी बात है। हाँ, है ना भैया? हाँ बच्चों, कुछ लोगों को गलत ढंग से होली खेलना अच्छा लगता है, लेकिन होली के दिन मिट्टी या कीचड़ से ना तो हमें होली खेलनी चाहिए और ना ही औरों को खेलने देना चाहिए। हाँ भैया, होली का त्योहार तो खुशी का त्योहार है, इसे हमें रंग और गुलाल से ही मनाना चाहिए, मिट्टी या कीचड़ से नहीं। बिल्कुल ठीक। लो भाई अब तो घर भी आ गया। हाँ भैया। अच्छा भैया, अच्छा भैया होली मुबारक हो। हाँ बच्चों, तुम सबको भी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। रंगों का त्योहार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख विनीता कृष्ण, विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता, कलाकार नीरज शर्मा, बाल कलाकार यमन कौशिक और मालती कौशिक, संगीत दिनेश प्रभाकर, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और हेमराज सिंह, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।